हैंस लिप्रोसे डच चश्मा निर्माता थे जिन्होंने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। एक दिन काम करते करते सन 1606 ईस्वी में उन्होंने दो लेंस हाथ में लिए और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखकर इनके आर पार देखा। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें दूर की वस्तु पास दिखाई देने लगी। यही सर्वप्रथम दूरदर्शी था। इसके बाद लिप्रोसे ने दो लेंसों को एक नली के विपरीत किनारों पर लगाया और इसे नली के आर पार देखा। लेंसों के बीच की दूरी को समायोजित करके दूर की वस्तुएं साफ दिखने लगी। यह यंत्र लड़ाई में बहुत उपयोगी साबित हुआ। इस यंत्र की सहायता से शत्रु के जलयानों और सेनाओं को आवर्धित करके देखा जाना संभव हो पाया था। डच सरकार ने इनके इस आविष्कार के लिए उन्हें 900 फ्लोरिन की धनराशि इनाम में दी थी। इसी वर्ष बाद में इस यंत्र को बनाया और लंदन, पेरिस, जर्मनी और इटली के बाजारों में बेचा गया। सन 1609 में इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्री गैलीलियो ने अपना स्वयं का टेलीस्कोप बनाया और उन्होंने अपने बनाए हुए दूरदर्शी से आकाश की छटा देखी। उन्होंने देखा कि चंद्रमा की सतह जो देखने में चिकनी दिखती है असल में उबड़ खाबड़ है। उन्होंने शुक्र ग्रह को देखा और शनि के छल्लों को भी देखा। कुछ लोग गैलीलियो को भी टेलीस्कोप के आविष्कार का श्रेय देते हैं, लेकिन वास्तव में टेलीस्कोप का आविष्कार हैंस लिप्रोसे ने ही किया था। इस समय बनाए गए दूरदर्शी जो प्रतिबिंब प्रदर्शित करते थे उनकी गुणवत्ता काफी खराब होती थी। धीरे धीरे दूरदर्शियों की गुणवत्ता में सुधार होते गए। आज हमारे पास अनेक प्रकार के दूरदर्शी उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूटोनियम दूरदर्शी, गैलीलियन दूरदर्शी आदि मुख्य हैं। इनको युद्ध के मैदान में, खगोल विज्ञान में और मनोरंजन के अनेक उपयोगों में प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी के आविष्कारक हैंस लिप्रोसे की 1619 में मृत्यु हो गई। इसे हम कभी नहीं भूल सकते। आज ऐसे ऐसे दूरदर्शी बनाए गए हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधानों में प्रयोग हो रहे हैं। हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी का एक ऐसा ही दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है और वहां के विषय की जानकारी प्रदान करता रहता है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।